चुनाव आ रहा है, 20 तारीख को चुनाव है। इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा जी हैं, जो यहाँ के बुजुर्ग होंगे वो किशोरी जी को अच्छी तरह से पहचानते होंगे। किशोरी जी ने 40 सालों से आपकी सेवा की है। यहाँ जब शुरू शुरू में मेरे पिताजी चुनाव लड़ने आए, उस समय से किशोरीलाल जी यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनको यहाँ का गांव-गांव के बारे में मालूम है, उनको यहाँ की सड़कें, यहाँ की समस्याएं, सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह मालूम है। देखिए आज आपकी परिस्थितियाँ क्या हैं। आज मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है ना, है ना? आप दुकान जाती हैं कुछ खरीदने के लिए तो सब कुछ खरीद पा रही हैं? जब जाती हैं तो सोचती हैं कि कुछ चीज़ें छोड़ दूंगी, अगले दिन ले आएंगे, जब जो ज़रूरी ज़रूरी चीज़ है वही खरीदेंगे, है ना? आज मिट्टी का तेल, चीनी, दाल, सब्जी सब कुछ महंगा है, पेट्रोल, डीजल। हाँ बच्चे रो रहे हैं। आपको फीस भरनी पड़ती है तब भी घबराहट होती होगी कि कैसे भरोगे। परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है तो इलाज के लिए भी घबराहट होती होगी कि किस तरह से होगा, पैसे नहीं मिलते। उनको माइक दे दो, सब लोग सुन ले तो अच्छा है। हमने इतना परेशान हुई थी, 22 साल 6 महीने का मेरा बच्चा एक देहांत हो गया और दूसरा बच्चा मैं पढ़ा लिखा रही थी और अमेठी में गया था, क्या कहते हैं, नौकरी के लिए गया था। एक सेकंड के लिए मेरे बच्चों को नौकरी से हटा दिया गया था। मैंने मजदूरी नरेगा कर कर के पढ़ा रही हूँ, इतनी मजबूरी हूँ, मैं 5 बार खून भी दिया, मेरा बच्चा भी नहीं बचा। मेरा बच्चा जिसको पढ़ा रही वो कामयाबिल भी नहीं हुआ है। मैं बहुत लाचारी हूँ, क्या करूँ बहन जी, आपसे क्या बता सकती हूँ। कलमनी भी नहीं मिल रही है, खेत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं निर्दोषी हूँ एकदम से। जो मेरे पास रहा था उसको भी मैं बेच के बच्चों को लगा दिया। मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि गरीबों को कुछ भी मिल जाए। सारे को पैसे मिला, हर एक चीज़ मिला, आते हैं सब कुछ मिलते हैं देते हैं, हमें सब गरीबों को कोई एक ठू पुड़िया भी नहीं खिलाता कि पानी एक बोतल पिला दो। एक गरीब है बच्चा रो रही है, ये औरत गरीबी है रो रही है। एक सेकंड के लिए मेरे बच्चों को RBI नौकरी मिलनी थी। मेरे से बोलना नहीं आता है कि नौकरी का क्या होता है, मेरी गलती को क्षमा करना बहना। और मेरे बच्चा एक सेकंड के लिए मेरी नौकरी से बच्चा हटा दिया गया है। मेरा बच्चा कहा मम्मी मैं अब कहीं नहीं लड़ूंगा, मैं अब कहीं चला जाऊंगा। मैंने बोला कि भाई एक चला गया तू बेटा वहीं कदम जाना, मैं तुम्हें अभी 2 बार है लड़ाई मैं लड़ाऊंगा, नरेगा करके, मजूरी करके, भीख मांग करके मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा, तुम हिम्मत मत छोड़िए। अब इसके बाद हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए बहना, हम बोलने की काबिल नहीं हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ। तो जो ये जो आप बता रही हैं, ये इस तरह के संकट आज सब जितने भी गरीब लोग हैं, किसान हैं, इस तरह के संकटों का मुकाबला रोज कर रहे हैं। रोज जो आपने बात बताई, कि आपने इतनी मेहनत से अपने बेटे को पढ़ाया, आपने क्या क्या नहीं किया बेटे को पढ़ाने के लिए, लेकिन आज भी उसको रोजगार नहीं मिला है। आज देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, 70 करोड़ बेरोजगार लोग हैं। और आज इन्हीं की तरह गरीब से गरीब जनता जो है, छोटे से छोटे घर में हो, कहीं दूर दराज इलाके के गांव में हो, लेकिन आप ही की तरह सब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। आज वो ज़माना चले गया जब कहते थे कि चलो बच्चा बड़ा हो गया उसको खेती में लगा दो, ज़माना चले गया। आज जितने भी लोग हैं, चाहे कितने भी गरीब हों, अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं और उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं, कर्ज लेना पड़े,
मजदूरी करना पड़े, आपने कहा भीख मांगनी पड़े। सब करते हैं बच्चे को शिक्षित करने के लिए। सरकार का काम होता है कि बच्चा शिक्षित होता है उसके लिए रोजगार दिलाओ, रोजगार के मौके मिलने चाहिए। 10 सालों से मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, रोजगार के मौके कम होते चले जा रहे हैं। अगर 70 करोड़ बेरोजगार हैं आज देश में, तो इस वजह से कि जो मौके थे रोजगार के वो सारे तमाम बंद हो चुके हैं। रोजगार कहाँ से मिलता था, रोजगार कहाँ से मिलता था? एक जमाने में खेती से मिलता था, खेती से खूब कमाई होती थी, मजदूरी मिल जाती थी। खेती का को इतना मुश्किल कर दिया है, इतने संघर्ष हो गए हैं किसानों के, महंगाई की वजह से पेट्रोल डीजल खेती के सारे सामानों पे GST है कि कमाई नहीं होती। कमाई नहीं होती तो रोजगार कहाँ से मिलेगा खेती में? तो खेती को से रोजगार आज नहीं मिल सकता। पहले बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां होती थी, आप जहां देखते थे तो लोग सरकारी नौकरी चाहते थे क्योंकि उसमें एक सुरक्षा होती थी नौकरी की और फिर पेंशन मिलता था। आज जितने बड़े बड़े सरकारी कंपनियां हैं उनकी जितनी भी सब्सिडरी है वो सब प्रधानमंत्री जी ने अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सौंप दी। आस्ते आस्ते उनका निजीकरण हो रहा है। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है? आरक्षण नहीं मिलता, आरक्षण नहीं मिलता। कई जगहों से जो जितने रोजगार मिलते थे अब कम मिलने लगे हैं। फिर रोजगार और कहाँ से मिलते थे? छोटे कारोबारों से, छोटे बिजनेस से, ये दुकानें, छोटी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट, किसी ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। मोदी जी की नीतियों ने उम्र तोड़ी। पहले नोटबंदी लाए, नोटबंदी में सबको कष्ट दिया, सबको बोल दिया कि काला धन आएगा पूरी दुनिया से देश में, तुम्हारे खातों में जाएगा, तुम्हारे पैसे तो ले लिए जो तुमने बचाए हुए थे, बहनों ने बचाए हुए थे, माताओं ने बचाए हुए थे, सब गए बैंक कतार में खड़े हो गए, न कोई काला धन आया न आपके खातों में 15 लाख रुपए आए। क्या हुआ? जो बिजनेस थे, जो छोटे मोटे बिजनेस थे जिन्होंने अपना कारोबार किया था, उनकी मुश्किलें बढ़ी। उसके बाद GST लाए, GST से और भी मुश्किलें बढ़ी। तो ये जो 3 मुख्य साधन थे देश में जिससे रोजगार बन सकता था, बड़ी बड़ी कंपनियां सरकारी, बड़ी बड़ी जो प्राइवेट सेक्टर था वो भी, जो मैन्युफैक्चरिंग टाइप का होता था वो भी, जो छोटे छोटे मध्यम वाले बिजनेस थे वो, और खेती, ये तमाम साधन जो है कमज़ोर हो गए, रोजगार कम हो गए। 30 लाख पद आज खाली पड़े हैं सरकार में, लेकिन वो रोजगार दे नहीं रहे। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये काम किया, बड़े बड़े खरबपतियों को बहुत मजबूत बना दिया, देश की संपत्ति उनको दे दी, देश का कोयला, देश की बिजली, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश के सड़कों का ठेका, सब इन्हीं गिने चुने लोगों को। ऊपर से इनका 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। 16 लाख करोड़ रुपए कुछ गिने चुने खरबपतियों के माफ कर दिए, देश के किसान के लिए 1 रुपया माफ नहीं हुआ। खेती में मुश्किलें, मैं जानती हूँ आप सब खेती करते हो, आज यहाँ सारी मुश्किलों के अलावा आवारा पशु की बहुत समस्या है। आवारा पशु की समस्या को हल करने के लिए कोई नीति नहीं है, आपकी खेती से कमाई कराने के लिए कोई नीति नहीं है, बेरोजगारी को कम करने के लिए कोई नीति नहीं है, महंगाई बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। कोई सोच सकता था कुछ सालों पहले कि एक सिलेंडर 1200 का होगा? कोई सोच सकता था कि ये दिन आप देखेंगे जबकि इतनी महंगाई है कि कुछ खरीद ही नहीं पा रहे हैं? पलायन करके आपके बच्चे बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, उनको भी सही मजदूरी नहीं मिलती। और मोदी जी और जितने भी भाजपा के नेता है क्या करते हैं, चुनाव के समय क्या बात करते हैं बेरोजगारी के बारे में, क्या बात करते हैं महंगाई के बारे में, क्या कहते हैं कि आपके लिए क्या करेंगे? क्या किया है इन्होंने 10 सालों में? कौन सा बड़ा उद्योग खुला है यहाँ? कौन सी बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हैं? जो जो हमने खोला था वही तकरीबन बंद करे जा रहे हैं। मैं
मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, आपको याद है, आपके सांसद थे, आपके बीच आते थे, झुक के आते थे, घर घर में जाते थे, गांव गांव में जाते थे। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इस पूरे अमेठी में ऐसा गांव नहीं होगा जहाँ मेरे पिताजी या मेरी माताजी नहीं गए होंगे। और चुनाव होता था, मैं प्रचार के लिए आती थी। जब से मैं 17 साल की थी तब से मैं अमेठी में प्रचार के लिए आती थी। अपने पिताजी के लिए प्रचार किया, माताजी के लिए किया, राहुल गांधी जी के लिए, अपने भाई के लिए किया, आज किशोरीलाल शर्मा जी के लिए कर रही हूँ। प्रचार करते समय हम लोग क्या कहते थे, हम कहते थे कि भाई ये सड़क है आपकी, ये सड़क राजीव जी ने बनवाई है, इस सड़क पे अब खड़िंजा लगाना है, जब खड़िंजा लग जाएगा तो इस सड़क को हमें पक्का करना है, आपके गाँव में बिजली का खंभा लगा है लेकिन अभी तक तार नहीं खिंचा, इसका तार खिंचवाना है, आपका इंडिया मार्क 1 हमने लगाया है और लगाने हैं, यहाँ जो अस्पताल है वो ठीक है, इसमें सुविधाएं बढ़ानी है, ये बात करते थे। चुनाव प्रचार में आते थे तो आपकी बात करते थे, हमेशा कहते थे कि हमने ये काम गिनाते थे कि हमने ये किया ये किया ये किया ये किया और आगे जाके हम ये करना चाहते हैं, रोजगार दिलवाना चाहते हैं, आपकी जो समस्याएं उनको कम करना चाहते हैं, ये होता था हमारा प्रचार। आज का प्रचार क्या है सुनिए, आपके घर में आएंगी, दुरदुरिया कराएंगी, दुरदुरिया कराएंगी, बोलेंगी भगवान के नाम पे वचन दो कि भाजपा का वोट देगी, बोलती है कि नहीं, है ना? ये प्रचार नहीं करती कि मैंने ये किया ये किया ये किया ये करूंगी, नहीं करती। आपके काम की महंगाई कैसे कम, आपसे पूछती है कि कैसे सामना कर रही है महंगाई का, देखिए। तो ये प्रचार हो गया आज के दिन पूरा प्रचार इन चीजों पे हो गया है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। कभी कभी तो देश के प्रधानमंत्री जी भी इतनी उल्टी सुलटी बातें करने लग गए कि हमें खुद समझ में नहीं आता कि क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपकी भैंस चुरा लेगी। 70 साल से देश आजाद है, 55 सालों से कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस के बड़े बड़े प्रधानमंत्री आपके सांसद रहे हैं, अरे कभी आपके घरों में आके आपकी भैंस चुराई? कहते कि एक्सरे की मशीन लाएंगे, वो एक्सरे की मशीन आपके घर में जाएगी और जहाँ भूसा रखा है उसके अंदर से आपके गहने निकालेगी, आपके मंगलसूत्र निकालेगी और ये लोग लेके किसी और को दे देंगे। अब बताइए, आपके संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री रहे सांसद, झुक के आपके घरों में आए हैं कुछ चोरी करने के लिए नहीं, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, देने के लिए कि किस तरह से। मैं बता रही थी पिछली मीटिंग में बता रही थी कि जब मैं छोटी थी पहली बार आई यहाँ पिताजी के साथ तो मैंने देखा कि सारी जमीन सफेद है। अब मैं तो दिल्ली से आई थी, मैंने कभी सफ़ेद ज़मीन देखी नहीं थी। अभी बच्चों को याद नहीं होगा क्योंकि इन्होंने देखी नहीं है सफ़ेद ज़मीन, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं उनको याद होगा कि देखते थे तमाम ज़मीन ऊसड़ होती थी। मैंने पिताजी से पूछा कि ये ज़मीन सफ़ेद क्यों है, उन्होंने समझाया इसमें नमक इतनी है, ऊसड़ ज़मीन है, इसमें कुछ उगता नहीं है। पिताजी ने ये काम किया कि किस तरह से यहाँ हरियाली लाएंगे, उस ऊसर जमीन को हरा भरा कैसे करेंगे। आज मैं हवाई जहाज से यहाँ आती हूँ, फुर्सतगंज आ रही थी, मेरे मन में ये बात आई कि देखो सारी हरियाली है, और मैं सोच रही थी कि जब पहले आते थे तो ऊसर होती थी। और पिताजी का आपको मालूम भी नहीं होगा कि मेरे पिताजी ने ये काम कराया, आस्ते 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 इस जमीन में हरियाली लाने का काम कराया। तो हमारा प्रचार इन चीजों पे आधारित होता था,
हमारी राजनीति काम पे आधारित होती थी, सेवा पे आधारित होती थी। हम आते थे आपकी सेवा करने के लिए श्रद्धा से। हम जानते थे कि जनता ने दिया है, जनता ने बनाया, ये हमारी राजनीतिक परंपरा है। हमारी पार्टी महात्मा गांधी जी की पार्टी है, इसीलिए हमेशा हमारी ये विचारधारा रही है। अब एक नई राजनीति आ गई, उसकी एकदम अलग विचारधारा है। वो कहते हैं कि काम वाम करने की क्या ज़रूरत है भाई, चुनाव आएगा, भगवान के नाम पे वचन दिलवा देंगे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, जो भी है हम लोग चुनाव लड़वा लेंगे और हम सत्ता में रहेंगे। और 5 सालों के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है ही नहीं। इनकी विचारधारा ये है कि ये सोचते हैं कि गुमराह करके जनता को हर 5 साल वोट ले लेंगे, सत्ता में रहेंगे, बीच बीच में कुछ ना कुछ करते रहेंगे आपका ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन जो आपके काम की बात है वो इनके मुंह से निकलती ही नहीं है। आपके विकास की बात, आपकी बेरोजगारी, आपके संघर्ष, आपके संकट, ये नहीं निकलता इनके मुंह से। तो सुनिए, आज अगर आप किसान हैं, आप खेती से नहीं कमा पा रहे हो, आप अगर शिक्षित हो आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आप अगर मेरी बहन हो आप महंगाई से जूझ रही हो, आप दिन में खेती में काम करती हो, मजदूरी करती हो, घर पे आके भी काम करती हो, कोई पूछ रहा है ये जो आपकी सांसद हैं 5 सालों से वो यहाँ क्यों आई क्यों? आपके संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने क्यों आई? क्या मकसद था? ये मकसद था कि अमेठी को विकसित करेंगे? ये मकसद था कि कोई लगाव जुड़ाव है अमेठी की जनता के साथ तो हम अमेठी की जनता को मजबूत बनाएंगे, उनके भविष्य उज्ज्वल करेंगे? ये मकसद था? एक ही मकसद था, राहुल गांधी से लड़ेंगे, राहुल गांधी को हराएंगे, यही एक मकसद था, और कोई मकसद ही नहीं था। तो जब मकसद ही यही था तो 5 सालों में करना क्या था इनको? हम अगर आपके बीच आते हैं, हमें मालूम है कि पीढ़ियों का रिश्ता है, जब से पिताजी के समय से, फिर माताजी आपकी सांसद बनी, फिर मेरे भाई आपके सांसद बने, एक रिश्ता था, हम निभा रहे थे उस रिश्ते को। बचपन में आते थे, गांव में जाते थे, देखते थे कि कितनी मुश्किलें हैं, उनको दूर करने का काम पिताजी ने शुरू किया। पिताजी गुजर गए, शहीद हो गए देश के लिए, ऐसा लगा माताजी को कि उनका काम रुकना नहीं चाहिए, हमें उनके लिए भी उनका काम करना चाहिए, उसको निरंतर रखना चाहिए। तो वो आए, भैया आए, तमाम यहाँ पे उद्योग खुलवाए, सड़कें बनवाई, इतने सारे काम कराए। तो झूठ की राजनीति नहीं है हमारी राजनीति, सच्चाई की है। एक सच्चा रिश्ता बना आपके हमारे बीच में। और जो बाहर के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई ये परिवारवाद है, ये ऐसा रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता है, वो समझ नहीं पाते हैं। ऐसे जो रिश्ते बनते हैं ना पुराने, कि गांव में जाओ, बीच रात में भी जाओ, देर हो जाती है, कोई ना कोई इंतज़ार कर रहा है, कोई इंतज़ार करेगा आपसे बात करने के लिए, आपको अपनी समस्या बताने के लिए, उनके प्रति कोई जिम्मेदारी है कि दिल में कुछ है लोगों के लिए, क्योंकि लोगों के दिल में हमारे लिए कुछ है, ये एक अलग रिश्ता है जो ये लोग नहीं समझ सकते। अब उस रिश्ते को कायम रखना हमारा काम है। चाहे आपने सांसद चुना नहीं चुना, फिर भी जब कोरोना आया तो मेरे भाई ने सबसे पहले मुझे फोन करके ये कहा कि अमेठी के लोग अगर कहीं पे भी फंसे, उस समय मैं यूपी की प्रभारी थी, उन्होंने कहा प्रियंका अमेठी के लोग कहीं भी फंसे हों उनको किसी न किसी तरह तुम घर ले आओ। तो कोरोना के समय भी जब हार चुके थे, आपने हराया, उस समय भी उन्होंने सोचा कि नहीं, ये हमारे परिवार के सदस्य समान है, कहीं पे गुजरात में, बिहार में, कहीं पे फंसे हुए हैं, बंबई में, जहाँ जहाँ लोग हैं उनको ढूंढो, उनको मदद भेजो, उनको घर सही सलामत ले आओ। और हमने ये काम किया, बहुत लोगों के लिए ये काम किया, क्योंकि ये हमारा दायित्व है, हमारा धर्म है आपके लिए काम करना, ये एक भावना है, ये भावना ये लोग नहीं समझते।
तो आज भी अगर कांग्रेस पार्टी कुछ गारंटी लाई है इस चुनाव में, तो आपकी समस्याओं को देखते हुए समझते हुए आई हैं। राहुल गांधी जी एक इकलौते नेता हैं आज के दिन इस देश में, आपके सांसद होते थे, जो 4,000 किलोमीटर पैदल चले सिर्फ आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, 4 महीनों के लिए रोज चल रहे थे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले और उसके बाद मणिपुर से मुंबई तक चले। मणिपुर से मुंबई की यात्रा उन्होंने गाड़ी से की, लेकिन जो कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा थी वो उन्होंने अपनी पैदल की, सिर्फ आपकी समस्याओं को सुनने के लिए। और जब वापस आए तो सब नेताओं को बिठाया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, और कहा कि देखो मैं ये बात समझाऊं अपनी यात्राओं से कि 10 सालों में सबसे ज़्यादा अन्याय हमारी देश की जनता के साथ हुआ है, देश के गरीब, देश के किसान, देश के गरीब बहनें, देश के जो बेरोजगार युवा हैं उनके साथ हुआ है। तो हमें अपने घोषणा पत्र में ऐसी चीज़ें लिखनी चाहिए जो हम पूरी करके दिखा सकें, और ऐसी चीज़ें हमें जनता के सामने लानी चाहिए जिससे जनता का की भलाई हो, जो संकट जनता के ऊपर है आज उसका सामना कर पाए। तो क्या लाए हम अपने घोषणा पत्र में, और इस घोषणा पत्र का नाम हमने लिखा है न्याय पत्र। हम महिलाओं के लिए ये स्कीम लाएंगे कि हर गरीब परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में हर महीने 8,500 रुपये डाले जाएंगे, वो कुल मिलाकर सालाना 1,00,000 रुपये हो जाएगा। आशा बहू आंगनवाड़ी मिड डे मील की बहनों के लिए आपका मानदेय बढ़ाएंगे। हम जानते हैं बहुत सालों से बढ़ाया नहीं गया है। 50% सारी सरकारी जो नौकरियां हैं उनमें से 50% बहनों को जाएंगी। देखिए नौजवान आज शिक्षित है, जहां भी जाए हम एक शिक्षित नौजवान मिलते हैं, लेकिन बेरोजगार है। जब स्नातक पास होगा नौजवान उसके लिए हम एक स्कीम लाएंगे, एक अप्रेंटिसशिप स्कीम, जिससे उसका हुनर बढ़ाने के लिए उसको एक नौकरी दी जाएगी जिससे सालाना 1,00,000 रुपये कमा पाएगा जब तक उसकी स्थायी नौकरी नहीं लगती। स्नातक पास होते ही ये प्रोग्राम हो जाएगा आपके लिए। जो नौजवान अपना कारोबार शुरू करना चाहता है छोटा, क्योंकि हम छोटे और मध्यम जो कारोबार हैं, जो बिजनेस हैं, उनको बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उससे रोजगार मिलता है, आपके लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड होगा जिससे अगर आप ऐसा कोई कारोबार शुरू करना चाहें आपको सुविधा मिलेगी। 30 लाख खाली पद हैं सरकार, केंद्र सरकार के, वो भरे जाएंगे। मेरे किसान भाइयों के लिए, आप आज इतनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, GST मुक्त हो जाएंगे आपके सारे खेती के सामान, ताकि सस्ते में मिलेंगे। आपका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कानूनी अधिकार बन जाएगा, कानून के तहत आपको देना पड़ेगा। आपके खेतों में जब नुकसान होगा ओले के वजह से, बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से, तो उसका भुगतान 30 दिन के अंदर अंदर होगा, और आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा। आज परिस्थितियां ये है कि बड़े बड़े खरबपतियों के कर्ज माफ किए गए हैं, 16,00,000 करोड़ रुपए बड़े बड़े खरबपतियों के माफ किए हैं, लेकिन हमारे किसानों के कर्ज माफ नहीं होते। हमारे किसानों के कर्ज सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकारों में माफ किए, छत्तीसगढ़ में भी किए थे। तो महिलाओं के लिए स्कीम है, नौजवानों के लिए है, किसानों के लिए है, श्रमिकों के लिए यह तय किया गया है कि कानून बनाएंगे कि 400 रुपए की दिहाड़ी से कम पूरे देश भर में कोई नहीं दे पाएगा। 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा कराएंगे, हमने करके दिखाया राजस्थान में।
राजस्थान में 25 लाख तक सारा इलाज मुफ्त था जब हमारी सरकार रही है। 6 महीने पहले सरकार बदली और भाजपा ने ये स्कीम तकरीबन बंद कर दी है, कम कर दिया है, 25 से 5 लाख आ गया है और उसके बाद आस्ते आस्ते बंद कर डालेंगे। ये जो मनरेगा हमने शुरू किया कि 100 दिन का रोजगार आपको मिलना ही है गांव में, इसी तरह से हम शहर में भी कर रहे हैं कि शहरों में भी 100 दिन का रोजगार आपका अधिकार है, कम से कम आपको मनरेगा जैसे 100 दिन का रोजगार आपको शहर में भी मिलेगा। तो ये सब स्कीमें हम लाए हैं। अब आप कहोगे कि हाँ ठीक है, भाजपा के नेताओं ने भी बोला था कि हमें 13 रुपए की चीनी देंगे, कि गैस सिलेंडर का दाम कम होगा, 1200 का हो गया है, उन्होंने भी हमें बोला था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, उन्होंने भी बोला था कि 15 लाख हमारे खाते में डलेंगे, कुछ नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं कि हमें क्या मालूम, ये कांग्रेस के नेता भी मंच पे खड़े हैं, कुछ भी बोल के चले गए। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, जागरूक बन जाओ। सबसे पहले तो ये समझो कि यहाँ जितना भी काम हुआ वो कांग्रेस ने किया था। ये लोग कहते हैं ना 70 साल में कुछ नहीं किया, इनसे पूछिए 10 सालों में क्या किया है, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। इसलिए फिजूल की बातें हो रही हैं, भैंस चुराने वाली और मंगलसूत्र चुराने वाली, क्योंकि जवाब नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने एक एक चीज, खास तौर से मैं कह सकती हूँ अमेठी में जितना भी विकास हुआ कांग्रेस पार्टी के समय में हुआ। आज जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ कर्नाटका तेलंगाना में महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे हैं। जहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी वहाँ कर्ज माफ हुए किसानों के। छत्तीसगढ़ में सरकार थी, आवारा पशु की समस्या उन्होंने समाप्त की। कैसे? गौशालाओं को मजबूत बना के, गौशालाओं को मजबूत बनाया। सरकार ने गोबर खरीदी, आपसे गोबर खरीदी, ताकि लोगों ने फिर उन जानवरों को घर में संभालना शुरू किया। गोबर खरीद के गोबर गैस बना के गांव में दी, समझ रहे हैं आप? गौशालाओं को इतना मजबूत किया, सुंदर बनाया, वहां से जो दूध था वो दूध गांव में भेजा, दूध में से खोया, बर्फी, ये सारी चीजें बनवा के बिकवाई। महिलाओं को रोजगार मिला गौशालाओं में, 60-70 हजार रुपए कमा रही थी। मैं ऐसी महिलाओं से मिली हूँ, खुद मिली हूँ। यही इतनी बड़ी समस्या थी, वहाँ के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बघेल जी, उन्होंने सोचा इस समस्या को हल करने का क्या तरीका है और हल कर दिया। तो जब ऐसी सरकार होती है, ऐसे नेता होते हैं जो आपके लिए निष्ठा से काम करते हैं और सही नियत से काम करते हैं, तो सारी समस्याएं हल करने का काम शुरू करते हैं। ये सच है कि सबकी समस्याएं हमेशा पूरी नहीं हो, हल नहीं होती हैं। ये सच है कि विकास ऐसी चीज है कि आज सड़क बनाओ, कल उस पर खरिंजा डालो, कल खरिंजा लग गया उसका फिर टारिंग कराओ, बिजली का खंभा लग गया, इधर बिजली आ रही है उधर भी बचती है। तो ये ऐसे विकास के काम ऐसे होते हैं जो कभी रुकने वाले काम नहीं होते। कुछ यहाँ होता है तो और भी हो सकता है, लेकिन काम शुरू तो हो, सुनवाई तो हो, कोई करे तो सही। यहाँ तो परिस्थिति ये बन गई है कि कुछ काम भी नहीं हो रहा है, वोट भी मांगे जा रहे हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हर फिजूल की बात पर, लेकिन विकास के नाम पर नहीं। तो मेरा सिर्फ ये आग्रह है कि देखो, नेता फूलते फलते हैं, हाँ अपनी सेटिंग तो हो जाती है नेताओं की, आपके सामने आकर कुछ भी कहें। उनके बच्चे तो अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ लेते हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां भी मिल जाती हैं, फॉर्चुनर खरीद लेते हैं, घूमते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, अच्छे अच्छे महल बना लेते हैं अपने लिए। आपको पहचानना पड़ेगा कि सही नेता कौन है, सही पार्टी कौन है, क्योंकि नुकसान आपका हो रहा है, नेता का नुकसान नहीं हो रहा है। जब नेता आपसे वोट ले लेता है बगैर काम किए, तो नुकसान तो आपका है। तो आप पहचानो ना कि ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने आजीवन सेवा की है, ऐसे भी नेता हैं जो समझते थे कि आपके प्रति जवाबदेही है, आपका काम नहीं करेंगे तो आप वोट नहीं देंगे, या आप ही ने समझाया। मेरे पिताजी को डांटते थे, प्रधानमंत्री थे तो मेरे पिताजी को डांट लगती थी गांव में जाते थे तो, कि भैया बोला था आपसे काम करना था, अभी तक नहीं किए, हम प्यार तो दे देंगे लेकिन वोट नहीं देंगे।
ये है आपकी परंपरा, तो इस परंपरा को मत भूलो। 5 सालों से जो सांसद है वो आपके लिए कुछ कर नहीं रही है, वो आई एक मकसद से थी, बस एक मकसद से आई थी, और उसके बाद उनकी कोई मकसद नहीं था कि आपके लिए काम करें। समझ लीजिए, पहचान लीजिए, अपनी सच्चाई को देखिए, समझिए कि अगर आपको तरक्की लानी है अपने जीवन में, आपको भविष्य मजबूत बनाना है, तो निर्णय आपको सही लेना पड़ेगा चुनाव में। अगर सही निर्णय लोगे तो आपका वोट किशोरीलाल शर्मा जी को जाएगा, पहले नंबर पे बटन दबेगा, आप इनको विजयी बनाएंगे। एक बार फिर वही पुराने असूल राजनीति के, जिसमें सेवा भाव, जिसमें श्रद्धा भाव, जिसमें आपके लिए सम्मान होता था, वही हम वापस लाए अमेठी में। ये अमेठी, रायबरेली क्षेत्र हमेशा हमारे परिवार से जुड़े हैं, आज भी जुड़े हैं। हम आज अगर प्रचार करने आए हैं यहाँ, आपको आपसे बातें करने आए हैं, तो इसलिए कि हम चाहते हैं कि आपका विकास हो। हमें अच्छा लगता है जब हम शहर में जाते हैं, हमें कोई मिलता है, पूछते कहाँ के हो भाई, यूपी के, तो मैं की भाषा पहचान लेती हूँ, कहाँ के हो, कहते हैं अमेठी के हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि मैं पूछती हूँ कि भाई क्या काम कर रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, अगर अच्छा कर रहा है तो और भी अच्छा लगता है, गर्व होता है कि तो हमारा ही क्षेत्र है, ये देखो आज के दिन गांव से निकल के यहाँ आ गए हैं, बड़े शहर में अच्छा कमा रहे हैं, सक्षम हो गए हैं, पैरों पे खड़े हैं, अच्छा लगता है। जैसे आपको अच्छा लगता है कि आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, फूल रहे हैं, फल रहे हैं, हमें भी लगता है, तो एक साथ ये काम करें, आपके जीवन में विकास लाएं, परिवर्तन लाएं। इसीलिए आप किशोरी जी के हाथ मजबूत करिए, भारी से भारी बहुमत से जिताइए, इस बार पंजे को वोट दीजिए, दुर्दुरिया कर लो, भगवान के नाम शपथ मत लो, क्योंकि आज भगवान भी चाहते हैं कि तुम जागरूक बनो, भगवान भी आप ही का विकास चाहते हैं। पंजे पे वोट डालो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातें सुनी, गला थोड़ा बैठा हुआ है क्या करें, धन्यवाद, जय।